हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक नया प्रोडक्ट लेके आ गए हैं भाई। और जो आज का प्रोडक्ट है वो एक पेंट स्प्रेयर मशीन है। ये एशियन पेंट की तरफ से है भाई, और इसका मॉडल नेम जो है वो एशियन पेंट ट्रू केयर है। ठीक है, ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी है भाई मैंने, और 2600 रुपये इसका प्राइस है। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या आइटम मिलती है और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। जैसे ही अनबॉक्स को खोलते हैं भाई, सबसे पहले हमें एक पार्ट ये मिल जाता है, एक ये प्लास्टिक फनल और ये हमारी मेन मशीन है। इसको भी ऐसे रख सकते हैं, बढ़िया ग्रिप है, गिरेगी नहीं। दो पेपर फनल एंड ये एक ब्रश है भाई इसकी क्लीनिंग के लिए। ठीक है, यह फ्लिपकार्ट का बिल है और ये है इसकी यूज़र मैनुअल, एशियन पेंट ट्रू केयर। ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन लिख रखी है भाई कैसे क्या यूज़ करना है हमें इसको, वारंटी कार्ड भी है इसी में। ठीक है, तो इसको रख देते हैं साइड में और पिन और आती है इसमें, शायद वो हमें इसमें नहीं मिली होगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसका काम हम अपने सिम इजेक्टर पिन से या जो सेफ्टी पिन होती है उससे भी काम चला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन जो उसका पर्पज़ होता है उसको नोजल क्लीनिंग के लिए होती है, हम किसी भी सुई से या सेफ्टी पिन से वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसका लुक देखिए एक बार। ये देखिए, यहाँ पे हमें एशियन पेंट की ब्रांडिंग मिल जाती है, एशियन पेंट ट्रू केयर। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है भाई, लुक भी बहुत प्यारा है, येलो कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो ये रबड़ ग्रिप दे रखी है, काफ़ी कंफर्टेबल है पकड़ने में, लॉन्ग हैंडल है। और ये जो बेस है ये भी आराम से स्टेबल है, मशीन गिरेगी नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो आप कितना हिला रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं गिर रही है। ठीक है, इसमें जो मोटर लगी है भाई वो 750 वाट की है, और जो इसका RPM रहता है मोटर का वो 33,000 है। और ये भाई इसकी पावर केबल देख सकते हो आप, क्वालिटी अच्छी है जिस हिसाब से 750 वाट की होती है। ये देखिए, प्लग भी अच्छा है, ड्यूरेबल लग रहा है, और लेंथ बहुत बढ़िया दे रखी है भाई। ये देखो, पूरे हाथ खोलने के बाद में भी लगभग 1.5 मीटर की वायर होगी शायद ये। यदि इसकी बात करें तो हमें इस मशीन में मिल जाता है भाई ये नोजल जो है ना, ये कॉपर नोजल में है। जो पहले मैं बिल्ड स्किल के लेके आया था उसमें प्लास्टिक की नोजल थी, और इसमें है कॉपर की नोजल। ठीक है, यहाँ पे हमें ये फ्लो एडजस्ट करने के लिए दे रखा है स्विच, शेप स्विच, इससे हम इसकी जो स्प्रे है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वालिटी भाई काफ़ी अच्छी है, ज़बरदस्त है। 1 लीटर की है भाई ये कंटेनर, जो ये बोतल है पेंट बोतल, इसमें 1 लीटर पेंट आ सकता है। कोई 800 ml की आती है, ये 1000 ml की है। ठीक है, हम इसको अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि ये अलग हुआ आ चुका है पीछे से, तो इसको सेट करने के लिए हमें ये जो बटन है इसको पुश बटन के सामने बिल्कुल लगा के और अंदर प्रेस कर देना है। ये तैयार है, ये यहाँ पे ट्रिगर दे रखा है, ये काफ़ी स्मूथ है भाई, हल्का सा प्रेस करते ही
कमांड ले रहा है, ऐसा नहीं है कि जोर लगाना पड़े, हल्का सा जैसे टच होती है ना, ये हो गया काम, ठीक है। और आप देखो कैसा लुक लग रहा है, लुक और बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त है दोस्तों। अभी इसका डेमो करेंगे कि ये कैसा प्रोडक्ट है और ये किस टाइप के पेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। इससे हम डिस्टेम्बर भी ट्राई करेंगे और गेट वगैरह के लिए एनिमल पेंट भी करेंगे, ठीक है। चलो अब जल्दी से दोस्तों इसकी करते हैं ट्राई और देखते हैं इसका क्या फीडबैक रहता है। तो तब तक आप, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, ताकि आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहे। हमारे चैनल पे आपको नई नए गैजेट की जानकारी मिलती है भाई, मशीन और टूल्स की, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो भाई आज अभी अपने ये एशियन पेंट ट्रू केयर का सैंपलर है, ट्राई ले रहे हैं और देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। आज हमने इसमें डाल रखा है डिस्टेम्बर, ठीक है। बहुत से भाइयों को कंफ्यूजन होता है कि ये डिस्टेम्बर में वर्क करेगी या नहीं करेगी, तो आज उनका सब डाउट क्लियर हो जाएंगे और उनको पता लग जाएगा कि ये कैसा परफॉर्म करती है और हम इसको किस तरह के पेंट में यूज कर सकते हैं। तो ये 1000 ml का कंटेनर है और ये मैंने फुल कर लिया है अभी, ठीक है। और ये आप दीवार देख सकते हो, मैंने इसकी वीडियो सैंपल वीडियो डाल भी दी है पहले ये कैसी थी, और अब हम इसको पेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा दोस्तों इसने कितना अच्छे से पेंट किया। अब ये बोतल खाली हो चुकी है भाई, अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी देर चलता है, लेकिन वर्क परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रही।